इसराइल की ईरान को अंतिम वार्निंग, कहा अब इसराइल रहेगा या ईरान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा ईरान ने कर दी बहुत बड़ी गलती। नेतन्याहू की दहाड़ से क्यों कांपे ओवैसी, पाक और मुफ्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इसराइल ईरान के बीच में वॉर छिड़ गई है और बता दें आपको ये जंग छिड़ी है, नुकसान तो पूरे विश्व का है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अब ईरान का होने वाला है। ईरान ने दे दिया लेबनान का साथ। आपको बता दें यहां पर हमास के प्रॉक्सी पार्टनर्स को ये भुगतना पड़ेगा। अगर हमास के चीफ को जब मारा गया, लेबनान के चीफ को मारा गया, अब हिजबुल्ला के चीफ को मारा गया, तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बता दें आपको सीरिया, ईरान, इराक ये लगातार यहां पर बैठ करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है अब ईरान बचेगा या तो हम बचेंगे, यानी कि इजराइल बचेगा, और इसी वजह से भारत में बैठे विपक्षी पार्टियों को सरदर्द हो रहा है। आपको बता दें ये इतने बेशर्मी वाले बयान देते हैं, न जाने कहां से इन्हें ऐसे बयान लिखकर कौन देता है, और न जाने कैसे ये इतनी हिम्मत रखते, इतनी हिमाकत रखते हैं ये बोलने के लिए कि यहां हिजबुल्ला का आतंकी नसरल्ला मरा तो ये कह रहे शहीद है। महबूबा मुफ्ती के बोल है, ये पाकिस्तान के बोल है, और पाकिस्तान से सटे हुए जम्मू कश्मीर में विरोधी पार्टी महबूबा मुफ्ती के बोल हैं। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि सबसे बड़ी विरोधी वो नरेंद्र मोदी की हैं और सबसे बड़ी विरोधी वो बीजेपी की हैं। ठीक है, आप बीजेपी का विरोध कीजिए लेकिन आप देश का विरोध क्यों कर रहे हैं? यही वजह है कि जय फिलिस्तीन का नारा देने वाले ओवैसी साहब को भी दिक्कत हुई होगी। ओवैसी साहब को नेतन्याहू की दहाड़ सुन के दिक्कत हुई होगी, कांपे होंगे, चिल्लाए होंगे और लगा होगा कैसे हम बचाएं आतंकी संगठनों को। आपको बता दें ये हसन नसरल्ला जो मारा गया है, इसके बयान ऐसे अनर्गल होते थे, ये इतना बड़ा आतंकी संगठन का चीफ था, और अब इसके मारे जाने पर भारत में बैठा विपक्षी पार्टी क्यों शोक मना रहा है? क्या विपक्षी पार्टियों को ये पता है कि वो पहले से साबित है कि वो आतंक के महबूबा है, जिसे महबूबा मुफ्ती को करार दिया गया, तो क्या उन्हें अब इस बात से कोई लेना देना नहीं है? क्या विपक्षी पार्टियों को अपने ऊपर लगे आतंक समर्थक का कोई परवाह नहीं है? उस हैशटैग को वो नहीं मिटाना चाहते हैं, उस टैगलाइन को वो नहीं खत्म करना चाहते हैं, और क्या यही वजह है कि बार बार यहां पर इसराइल जिस तरीके से संकेत दे रहा है इससे कहीं ना कहीं भारत इसका समर्थन देगा? और आपको बता दें इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, नेतन्याहू दहाड़ चुके हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि अब ईरान की कमजोर नसें हमें दबानी है। देखिए पूरे विश्व भर में इससे आर्थिक नुकसान लगातार हो रहा है, पूरे विश्व भर में इससे आर्थिक नुकसान, व्यापारिक नुकसान, हर तरीके से इसराइल और पहले तो हमास जंग ने और अब यहां पर इसराइल ईरान जंग ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। सबका घाटा होगा और सरकारों को एक लंबी तगड़ी चोट इससे पहुंचेगी। इसके लिए बेहतर है कि सभी यहां पर मध्य पूर्वी देशों को एक सलाह दे कि आप आपस में जंग ना करें। और देखिए आपने देखा होगा, अगर आप रशिया यूक्रेन के युद्ध को देख लीजिए, इसराइल हमास के युद्ध को देख लीजिए, सभी में भारत ने नेतृत्व किया है और नरेंद्र मोदी की वजह से कहीं ना कहीं वार रुकने के भी हमने देखे कि ये संभावित हुआ। अब देखिए यूक्रेन और रशिया के वॉर में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जब दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूक्रेन के दौरे पर थे तो रशिया ने वार रुकवा दी थी। तो देखिए ये सब बातें होती हैं और ये सब बातें सामने जब वैश्विक पटल पर आती तो ये कहा जाता है कि भारत लगातार विकास कर रहा है, भारत में आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान जैसे देशों से अब भारत बात करना भी पसंद नहीं करता है। और यही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है फारूक अब्दुल्ला जो कहते हैं पाकिस्तान से बात कीजिए। अरे किस बात की बात करें, क्यों बात करें पाकिस्तान से, और क्या पाकिस्तान से बात करके आप पाकिस्तान को हमदर्दी न जाएंगे अपने सैनिकों के मारे जाने पर, अपने सैनिकों के शहीदी पर? और क्या हसन नसरल्ला को शहीद कहकर महबूबा मुफ्ती गिर गई हैं? क्या उन्हें जम्मू कश्मीर में तगड़ा झटका लगेगा चुनाव में? और यही वजह है कि बार बार महबूबा मुफ्ती के बोल आतंकियों के महबूबा जैसे करार हुए थे। आइए आपको बताते हैं कि अब ईरान ने क्या तबाही मचाई इसराइल में, कि इसराइल ने ये धमकी दी है, ये चेतावनी दी है कि अगर आपने आज हद पार की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरान बचेगा या इसराइल बचेगा? आपको बता दें नेतन्याहू ने कसम खाई है कि ईरान में अब भयंकर तबाही मचाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान की कमर तोड़ेंगे, मिसाइलें दाग कर
उकसाने की कोशिश इसराइल को हुई है। पूरे दुनिया की नजर ईरान और इसराइल के जंग पर टिकी हुई है। आपको बता दें, यहाँ पर कहा है कि इजरायली सेना भी बदले के लिए पूरे तरीके से तैयार दिख रही है। आईडीएफ ने यह कह दिया कि वक्त और जगह हम चुनेंगे। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइलें हमले का जवाब इजरायल कहीं उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़कर तो नहीं देगा। ईरान को आर्थिक चोट देने की फिराक में इजरायल है, जहां कहा जा रहा है ईरान की इकोनॉमी से हमारा मतलब है उसके आर्थिक मोर्चे पर चोट से, उसके तेल के भंडार को निशाना बनाए जाने से, वह क्षेत्र जहां से तेल निकलता है। तो ईरान ने जो गलती की है उसका अंजाम भुगतना होगा। इसराइल देखिए बहुत मजबूत सैन्य संगठन वाला देश है, भले छोटा है लेकिन इसराइल की सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, और यही वजह है कि इसराइल से पंगा लेने के पहले सभी देश एक बार विचार करते हैं। आपको बता दें, यहाँ बात साफ है कि ईरान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तेल के कारोबार पर निर्भर है, और ऐसे में कहीं इसराइल उनके क्षेत्र पर हमला करके, तेल क्षेत्र पर हमला करके उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने की फिराक में तो नहीं है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सोर्स क्या है? इनकम का, ग्रोथ का, इकोनॉमी का। सबसे बड़ा स्रोत है प्राकृतिक गैस का भंडार, उसके बाद है नेचुरल गैस के मामले में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर है, ऑयल रिजर्व के मामले में ईरान दुनिया के चौथे नंबर पर है। ईरान दुनिया के बहुत से देशों को तेल निर्यात करता है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसराइल से कमजोर है ईरान, लेकिन 24 में ईरान की जीडीपी 338.84 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया था। तो ईरान को ऐसे पंगु बनाने की सोच रहा है इसराइल। इसराइल वो देश है जो लगातार अपने ऊपर युद्ध झेल रहा है, अपने ऊपर जंग झेल रहा है, और देखिए अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है इसराइल अंडर अटैक, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। और बता दें आपको, इसी वजह से भारत में भी बैठकर राजनीति इस बात की हो रही है कि कौन किसके साथ है। जाहिर सी बात है, भारत कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं है। जाहिर सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री खुले मंचों से आतंकवाद को जड़ से, फसल से काटने की बात करते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद की जड़ ही हम काट चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आज लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, और देखिए जम्मू कश्मीर की भी धरती ये बता रही है कि आज आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, इसलिए एक हिस्सा जो पाक अधिकृत है वहां के लोग भी भारत में मिलने की ख्वाहिश देखते रहते हैं। और इसी वजह से लगातार ओवैसी, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस, सबसे ज्यादा जो कांग्रेस लगातार जंगों पर बयान देती रहती है, कभी भी उन्होंने, कांग्रेस की पार्टी आप देखिए, कभी भी कांग्रेस के नेताओं को कभी भी ऐसे जंगों में वो भारत का समर्थन देते दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, ये कहते हैं जब फिलिस्तीन का मुद्दा हुआ तो फिलिस्तीन के मामले में चुप लगा बैठे ये कांग्रेसी नेता आज घिर रहे हैं। जबकि यहां पर कह दे आपको, फिलिस्तीन का यहाँ पर जिस तरीके से आतंकी संगठन हमास को, जो अमेरिका ने भी बैन किया था, सब देशों ने बैन किया, हमास को प्रूफ किया गया कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके बावजूद भी कांग्रेस नेताओं ने फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कहा था। और बात अब इसराइल की है तो इसराइल का साथ देने पर प्रधानमंत्री को घेरा भी था, लेकिन खुद कुछ नहीं करना है। लेकिन यहां पर अगर जंग रुकवाने की ताकत प्रधानमंत्री रखते हैं तो उन्हें कोसना है, और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती को आज बहुत दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है और कहा अब नहीं छोड़ेंगे, या तो ईरान बचेगा या तो इसराइल बचेगा। आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि जिस घटना हुई, जिस तरीके से ईरान ने जो मिसाइलें दागी, इससे तेल अवीव में और इसके साथ दो लोग वहां घायल हुए हैं और एक इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। बहुत बड़े पैमाने की इसराइल को कोई नुकसान इस जंग में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, तेल अवीव में कहा जा रहा है कि दो लोगों के घायल होने की संभावना तेज है। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने अब चेतावनी दे दी है, क्योंकि ये चेतावनी से ईरान कांपा, भारत का विपक्ष भी कांपा, और इसी वजह से बार बार ईरान मिसाइलें दाग कर ये गलती कर चुका है। जब इसराइल ने कह दिया कि बहुत बड़ी गलती कर दी, अब बताएंगे आपको हम अंजाम, तो देखिए इससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन अब इसराइल ईरान को नहीं छोड़ने की कवायद तेज कर रहा है। लेकिन आप इसके बीच राय रखिए, क्या आपको भी लगता है कि ईरान और इसराइल के युद्ध में जिस तरीके से भारत में बैठे बयान दिए जा रहे हैं, फिलिस्तीन सपोर्टर्स यहाँ हैं, क्या आपको भी फिलिस्तीन सपोर्ट देख करके दिक्कत होती है, और क्या आपको भी हमास के लिए रोने वाले लोगों के लिए दिक्कत होती है, और क्या आपको भी लगता है कि इसराइल यहाँ पर ईरान के साथ ठीक कर रहा है या फिर ईरान सही है? जो भी आपकी राय हो, जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।